तकरीबन 4-4.5 घंटे वोटिंग लगातार हो रही है। हम वार रूम चलें, उससे पहले एक सवाल आलोक जी, हम आपसे जरा जानना चाहेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरीके से अब एग्जिट पोल अब शुरू होगा, सरकार बनेगी, लेकिन आखिरी फेज की वोटिंग से पहले क्यों जरूरत पड़ गई आरएसएस के बीच में अचानक एंट्री क्यों हो गई? राजनाथ की मुलाकात हो, मुरली मनोहर जोशी की मुलाकात हो, नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो, जरूरत क्यों पड़ गई? देखिए, मुझे लगता है प्रसून जी की जैसा संघ ने तय किया था कि भाई मोदी नेता होंगे, और ये इलाका राजनाथ सिंह जी का भी है, मुरली मनोहर जोशी का भी है, बनारस भी खास करके, और पूर्वांचल में, तो मोदी ने तुरंत जैसे ही अभियान खत्म हुआ पहला कदम दिल्ली में आकर के संघ मोहन भागवत जी की शरण में उनके पैर छू करके, जैसे कहते हैं ना, अभयदान मांगा जाता है कि भाई देखिए आप ये सुनिश्चित करिए कि किसी भी कीमत पर ऐसा ना हो कि हमारे लोग ही, जैसे कहते हैं ना, आपको याद होगा हम लोग बात कर चुके तोगड़िया या विश्व हिंदू परिषद, कहीं ना कहीं ऐसा ना कर दें कि इनको नियंत्रित रखना है, बड़ौदा से जीत जाएं, बनारस में हार जाएं, ताकि ये कंट्रोल में हमारे रहेंगे। तो मुझे लगता है कि इसलिए पूरी बीजेपी संघ की प्रतिष्ठा, जैसा हम बात कर रहे थे, इसलिए कोशिश की गई है कि इन 18 सीटों पर मैक्सिमम वो ला सके, और कम खास करके बनारस और इसके आसपास कहीं कोई हिंदूवादी जो नेता हैं वो इनको सेबोटेज ना कर सके। अभय जी, क्या ये माना जाए कि अगर बनारस से नरेंद्र मोदी जीतते हैं तो उत्तर प्रदेश की बीजेपी की समूची राजनीति या समूचे राजनेताओं का कद धूमिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और एक नए तरीके की राजनीति एंट्री हो जाएगी? ये तो ऑलरेडी पहले से ही हो गया है, मुझे लगता है। ये जो आप जीतने की शर्त लगा रहे हैं, बनारस से जीतने की शर्त लगा रहे हैं, मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है वो उसमें आमूलचूल परिवर्तन हो चुका है। जो पुराने नेता हैं, जो पहले से भाजपा के स्थापित नेता हैं, वो हाशिए में जा चुके हैं या उनका महत्व धीरे धीरे करके खत्म हो रहा है। और नरेंद्र मोदी की उत्तर प्रदेश के लिए नई टीम कौन सी होगी? वो कौन लोग होंगे जो कि मुरली मनोहर जोशियों को, जो कलराज मिश्राओं को या लालजी टंडनों की जगह लेंगे, वो कौन से लोग होंगे? ये अभी उनके चेहरे स्पष्ट नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भाजपा की राजनीति बदल चुकी है। और इन विधानसभा चुनावों में, इन लोकसभा चुनावों में अगर भाजपा का बड़े पैमाने पर उभार होता है, उसका मतदान प्रतिशत बहुत ज़्यादा बढ़ता है, उसकी सीटें उतनी बढ़ती हैं जितनी की भाजपा के नेता दावा कर रहे हैं, तो उसका फिर विधानसभा की राजनीति के ऊपर भी असर पड़ेगा। ये नहीं हो सकता है कि विधानसभा में वो लगातार पुरानी स्थिति में पुनर्मुष्को भाव हो जाएं, ऐसा नहीं होगा। विधानसभा पर भी असर होगा, और सपा और बसपा का जो प्रभाव बढ़ा है पिछले दिनों, उसके अंदर कटौती होगी। लेकिन इसमें सब बहुत सारे किंतु परंतु लगे हुए हैं। जाहिर है 16 तारीख का इंतजार इसीलिए हर कोई कर रहा है। हम सीधे चल रहे हैं वार रूम। सईद, जरा बताइए कहां से कैसी खबरें किस रूप में अलग अलग माध्यमों से आ रही है। बिल्कुल प्रसून, 4.5 घंटे हो चुके हैं और इन 4.5 घंटों में तरह तरह की खबरें तीन राज्यों यानी कि बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से आ रही हैं। हिंसा की खबरें भी पश्चिम बंगाल से बहुत ज्यादा आ रही हैं। वॉर रूम में हमारी पूरी टीम है जो पल पल की खबर हम तक पहुंचा रही है। तो आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या यहां पर चल रहा है। लेकिन उससे पहले हम आपको बता देंगे, ये देखिए नक्शे पर, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, यानी कि 18 उत्तर प्रदेश में, 17 पश्चिम बंगाल में और बिहार में 6 सीटें हैं। 41 की 41 सीटों पर 41 रिपोर्टर हमारे लगे हुए हैं और हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में जो इस वक्त 18 सीटें हैं वहां पर मुकाबला क्यों सबसे ज्यादा खड़ा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस, एसपी के पास 6, बीएसपी के पास 5, बीजेपी के पास 4, कांग्रेस के पास 3 सीटें यहां पर हैं। और इसी तरह हम बिहार और पश्चिम बंगाल का भी जिक्र करेंगे, ये हमारी टीम है यहां पर। पश्चिम बंगाल से बड़ी हिंसा की खबरें आ रही है, लेकिन सबसे पहले अगर आरसी हम आपको बोले तो इस वक्त क्या क्या खबर है जल्दी? अभी जो तुरंत खबर आई है वो थोड़ी सी खबर गांधीनगर से आ रही है, थोड़ा सा अलग मामला है। रमन सिंह और नरेंद्र मोदी की 2 घंटे मुलाकात चली है। नरेंद्र मोदी जो भारतीय जनता पार्टी के पीएम पद के उम्मीदवार हैं और रमन सिंह जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे हैं और काफी दिग्गज नेता माने जाते हैं। उसके अलावा हम आपको बता दें कि लगातार जो आंकड़े आ रहे हैं, वोट फीसदी लगातार बढ़ता जा रहा है। हम आपको पूर्वी उत्तर प्रदेश के आंकड़े बताएंगे कि किस तरह से वहां पर वोट पड़ा है। हम आपको बता दें गोरखपुर में 24%, गाजीपुर में
25% घोसी में 22%, लेकिन अभी भी आंकड़े में सबसे आगे पश्चिम बंगाल बना हुआ है, लेकिन पश्चिम बंगाल हिंसा के मामले में भी काफी आगे है, 14 लोग घायल हैं ज्यादा और पश्चिम बंगाल जी जी। और देखिए अब आपको पश्चिम बंगाल के बारे में ज्यादा धनंजय बताएंगे, लेकिन अगर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में सईद आप ये देख लीजिए कि अगर हम इधर से आपकी आकर के बताएं तो यहाँ पर देखिए ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका है जहां 18 सीटों पर चुनाव हो रहा है। ये काफी अहम है नरेंद्र मोदी के लिए, बीजेपी के लिए, अगली सरकार के लिए काफी अहम है। और यहां पर माना जा रहा है कि ये पहले पूरा गढ़ हुआ करता था बीजेपी का, बीच में कांग्रेस ने सेध लगाई, यहां समाजवादी पार्टी ने सेध लगाई, लेकिन एक बार फिर उनको लगता है कि ये मामला आगे बढ़ सकता है। हम अगर इस कैमरे के जरिए दिखाएं आपको, हमारा एक टॉप एंगल का जो कैमरा लगा हुआ है उसके जरिए दिखाएं, तो यहां पर ये इसके बाद नेपाल शुरू हो जाता है ये पूरा इलाका। तो ये जो भौगोलिक परिस्थिति है, यहां से ये पहाड़ी इलाका है, यहां से ये महाराजगंज है, डुमरियागंज है, और इसको सही एक और व्यवस्था हमने कर रखी है। एक और मैप हमारे पास है, अगर हम इस मैप को दिखाएं, अगर यहां पर आए तो ये देखिए ये उत्तर प्रदेश का एक मैप है, थोड़ा और करीब से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश प्रदेश का पूरा इलाका है, एपी सेंटर जो है वाराणसी बना हुआ है। अब देखिए हमने एक और व्यवस्था कर रखी है, ये देखिए यहाँ पर जो है महामहिम स्वयं जो है वो मोदी जी हैं, मोदी जी को टक्कर देने के लिए अब देखिए अजय राय जो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं राहुल गांधी को यहाँ लगाते हैं, तो ये हैं। और इसके बाद हाँ हम केजरीवाल साहब को कैसे भूल सकते हैं, केजरीवाल साहब यहाँ पे हैं, तो ये जो एपी सेंटर बना हुआ है ये वाराणसी का इलाका है, ठीक है। अब इसके बाद आप आगे बढ़ें तो यहाँ पर देखिए ये आजमगढ़ है, आजमगढ़ में नेताजी चुनाव लड़ रहे हैं, मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़ रहे हैं, ये देखिए आप यहाँ पर हैं। अब इसके बाद आगे आप आगे बढ़ते जाएं तो देखिए इधर देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, डुमरियागंज, ये जो पूरा इलाका है जिसको हम उस समय बता रहे थे, इसके बाद नेपाल शुरू हो जाता है। डुमरियागंज में जगदम्बिका पाल, उन्होंने पाला बदला था इलेक्शन के ठीक पहले, और वो पुराने कांग्रेसी, दिग्गज कांग्रेसी, एक ज़माने में संजय गांधी के बड़े करीबी लोगों में हुआ करते थे, लेकिन बीच में उन्होंने कांग्रेस छोड़ा था, वापस फिर कांग्रेस में आए थे, और ठीक चुनाव के पहले उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था। यहाँ पर उनका कड़ा मुकाबला है समाजवादी पार्टी के साथ। फिर महाराजगंज में आइए, महाराजगंज का इलाका जो है ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि पिछली बार यहाँ पर कांग्रेस ने अप्रत्याशित तरीके से जीत हासिल की थी, और उसके बाद बात गोरखपुर की जो सबसे इंपॉर्टेंट है, गोरखपुर की सीट अगर वाराणसी के बाद देखा जाए तो इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि यहां से योगी आदित्यनाथ लगातार 4 बार चुनाव जीत चुके हैं, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण है, और नरेंद्र मोदी वहां गए भी नहीं है, नरेंद्र मोदी गए नहीं है। और जो आदित्यनाथ के बारे में कहा जाता है, ये पारंपरिक सीट जो है, यहाँ पे गोरखनाथ मंदिर है, उसके पीठाधीश्वर है वो, और वहां स्थिति ये है सईद की, लोग ये नहीं कहते हैं कि मैं आदित्यनाथ को वोट देने जा रहा हूँ, वहां लोग कहते हैं कि मैं गोरखनाथ मंदिर को वोट देने जा रहा हूँ, एक ऐसी स्थिति है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि यहां पर लगातार आदित्यनाथ सांसद रहे हैं, उसके पहले जो पीठाधीश्वर थे अवैधनाथ सांसद रहे हैं, उसके पहले दिग्विजय नाथ सांसद रहे हैं, लगातार ये परंपरागत सीट रही है उनकी, लेकिन वहां पर विकास के नाम पे अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोबारा आएंगे आपके पास, लेकिन पश्चिम बंगाल से जो खबरें आ रही हैं वो काफी डराने वाली खबरें आ रही हैं। धनंजय, आपके कितने रिपोर्टर वहां पर हैं और क्या क्या खबरें पश्चिम बंगाल से आ रही हैं खासकर हिंसा की? 17 सीटों पर 17 रिपोर्टर हमने लगाए हुए हैं पश्चिम बंगाल में इस वक्त। सईद, जो अभी अभी हमारे पास खबर आ रही है, दो खबर है, एक तो वहां रिकॉर्ड सारे वोटिंग के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं, 11 बजे तक 40% वोट डाले जा चुके हैं पश्चिम बंगाल में, ये 11 बजे का फिगर हम इस वक्त आपको दे रहे हैं, 40% वोट डाले जा चुके हैं, जो पॉजिटिव है बहुत ज्यादा। जो नेगेटिव साइड है उस चुनाव में इस वक्त पश्चिम बंगाल में, कि हिंसा की ताबड़तोड़ खबरें हमारे पास आ रही है पश्चिम बंगाल से। हमने पिछले बार आपको बताया था कि बासिरहाट में अब घायलों की संख्या 21 पहुंच चुकी है, जिसमें 4 को गोली लगी है, और पश्चिम बंगाल के जॉयनगर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से इस वक्त जो खबर हमारे पास आ रही है, ये तस्वीरें भी वो है, बासिरहाट की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, और अभी जो हमारे पास खबर आ रही है जॉयनगर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जहां इस वक्त सीपीएम के एक पोलिंग एजेंट को पर ब्लेड से हमला किया गया है और उसे बहुत ही क्रिटिकल हालत में हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है बासिरहाट की, उसके बारे में सही मैं आपको बताऊं, ये पश्चिम बांग्लादेश से सटी हुई कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसमें बांग्लादेश रिफ्यूजी का जो मामला है वो बहुत बड़ा मामला है। नरेंद्र मोदी जब भी पश्चिम बंगाल गए तो उन्होंने बांग्लादेशी रिफ्यूजीज का मामला उठाया कि उन रिफ्यूजीज को वापस भेजना है। यहाँ पे इदरीस हुडा है सीपीआई से और तृणमूल कांग्रेस में डायरेक्ट है, माइनॉरिटी डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये, और इसलिए वायलेंस की सबसे ज्यादा खबर इस वक्त यहां से आ रही है। बिल्कुल आरसी, हम चाहेंगे कि आप जो खबरें इस वक्त तुरंत आ रही हैं वो बताएं, लेकिन ये बता दें हम आपको 9 बजे तक 41 सीटों पर मतदान जो था वो 20% वाराणसी, कोई खबर आ रही है और सुबह
बिहार में 10 बजे तक 18% वोटिंग भी हो चुकी थी। बिहार से ये खबर भी यहां पर आ रही है। कोई इस वक्त ऐसी खबर और ये क्या सेंसेक्स को लेकर कुछ? जी सेंसेक्स को लेकर के काफी गहमागहमी है इस समय भारतीय बाजार में। आंकड़े जिस तरह से लगातार बढ़ते जा रहे हैं, सही वोट फीसदी लगातार बढ़ रहा है, बहुत ही खूब, जो एक लोकतंत्र का ये महापर्व माना जाता है चुनाव, और उसमें जो सबसे खूबसूरत तस्वीर होती है वो बूथ के बाहर लंबी लाइन होती है, वो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। आंकड़े सेंसेक्स के भी बढ़ते जा रहे हैं। सॉलिड आंकड़े हम आपको शाम को दिखाने भी वाले हैं कि क्या क्या होने वाला है, लोगों का मिजाज क्या है। लेकिन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि कुछ ऐसे नेता हैं जिन्होंने कुछ ऐसी कंपनियों में पैसे लगा रखे हैं, तो चुनाव के नतीजे चाहे जो भी आते हैं वो लगातार उनके पैसे जरूर बढ़ रहे हैं, जिसमें यूबी ग्रुप है। यूबी ग्रुप मतलब ये आप समझ लीजिए कि जो यहाँ पर विजय माल्या की कंपनी है, अडानी एंटरप्राइजेस का मार्केट शेयर काफी बढ़ गया है, कोल इंडिया, ब्रिटानिया, डीएलएफ, हिंदुस्तान लीवर। हमारे पास खबर आ रही है सुदीप बंदोपाध्याय, तृणमूल कांग्रेस के नेता, उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस 42 के 42 सीट जीतेगी और ममता ही देश की अगली प्रधानमंत्री होंगी। तो मंसूबे अब साफ हैं, ममता ने अब अपना जो आप कह सकते हैं अपने आप को एक सीरियस कैंडिडेट के रूप में तृणमूल कांग्रेस उन्हें प्रोजेक्ट कर रही है। 16 तारीख के नतीजों का इंतजार किया जाए। यहाँ एक और धनंजय ने यह खबर दे दी है, अगर हम एक बार फिर से आपको बताएंगे, देखिए ये तमाम वो चीज़ें हैं जहां से हम खबरें अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हमारा सहयोगी चैनल जो है वहां पर भी इस वक्त चर्चा चल रही है और तमाम जानकारी दी जा रही है। हमारी आज तक की जो साइट है वो लगातार खबरें दे रही है। ये पश्चिम बंगाल से कुछ तस्वीरें ऐसी आ रही हैं जो डराने वाली हैं, हिंसा की खबरें आ रही हैं। और यहाँ पर अगर हम आपको बताएं तो देखिए तमाम खबरें आ रही हैं, बिहार में 10 बजे तक 18% लगभग वोट हो गया था। नरेंद्र मोदी के बाद राजनाथ सिंह ने भी संघ के नेताओं से मुलाकात की थी, सेंसेक्स नए रिकॉर्ड पर है, लंदन में दुनिया के सबसे, खैर ये हमसे संबंधित खबर नहीं, कुछ और जल्दी से। जी ट्विटर पे इस वक्त खबर आ रही है, सब कंफर्म करेंगे इस खबर को, वाराणसी में एक आम आदमी पार्टी के नेता को मतदाताओं में पैसे बांटने के आरोप में पुलिस ने हिरासत में लिया है। किसने लिया है? बीजेपी ने आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी के नेता पैसे बांट रहे हैं। राजेश ऋषि, ट्विटर पे ये खबर है। जी हम दोबारा प्रसून के पास आपको लिए चलते हैं, लेकिन प्रसून एक खबर आ रही है कि एक आम आदमी पार्टी के नेता को गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन हमारे जो सूत्र हैं उनसे अभी इस खबर की पुष्टि नहीं हुई है। तो ये तमाम खबरें इलेक्शन वॉर रूम से हम दोबारा आते रहेंगे, फिलहाल आपको स्टूडियोज लिए चलते हैं प्रसून के पास। चलिए हम हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं इस बारे में जैसे ही खबर आती है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बैठकों के दौर में अब बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी गांधीनगर पहुंचकर नरेंद्र मोदी से मिलने लगे हैं। हम आपको एक तस्वीर स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये रमन सिंह पहुंचे हैं जो कि बातचीत कर रहे हैं नरेंद्र मोदी से। गांधीनगर की ये तस्वीर है, नरेंद्र मोदी के दफ्तर की तस्वीर है जहां पर रमन सिंह पहुंचे हैं। और इसके अब कयास लगाए जा रहे हैं कि दरअसल नरेंद्र मोदी जो भी व्यू रचना अपनी कर रहे हैं उसमें अब पुरातन दौर के हो चुकी है बीजेपी, जो 2009 के बाद से या 2004 के बाद से 2014 तक की स्थिति में थी। 2014 में बिल्कुल नए तरीके की बीजेपी, संसद के भीतर अगर सरकार में ये लोग आ जाते हैं तो कैबिनेट मिनिस्टर से लेकर मंत्रिमंडल का जो भी खांचा रहे या जो भी तरीके रहे पार्लियामेंट के भीतर, उस दिशा में ये आगे बढ़ेंगे और इसके लिए अलग अलग तरीके से अपनी रणनीति बना रहे हैं, व्यू बना रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक महत्वपूर्ण बात ये है भी है कि शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश का जिक्र आते ही आप जिक्र भी कर रहे थे अभय जी कि मध्य प्रदेश के उस कॉकस से अलग हैं मुरली मनोहर जोशी, उसमें शरीक नहीं होते हैं जिसका जिक्र करते हैं। शिवराज सिंह चौहान का कद बहुत बड़ा है बतौर गवर्नेंस के तौर पर भी, संघ के भीतर को लेकर भी। क्या ये माना जाए कि जो बीजेपी की स्थिति बनेगी, एग्जिट पोल तो जब आएगा तब आएगा और उसके बाद निर्णय फैसला जनादेश जब आएगा, लेकिन बहुत संभल के नरेंद्र मोदी शिवराज सिंह चौहान को देखेंगे इस पूरी प्रक्रिया में? देखिए नरेंद्र मोदी को सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के जो अपने मुख्यमंत्री हैं जो उनकी तरह 3-3 बार चुने जा चुके हैं, 3-3 चुनाव जीत चुके हैं, तो वो उन मुख्यमंत्रियों की आत्म छवि ये है कि वो नरेंद्र मोदी से हीन नहीं है, वो उनसे कमतर नहीं है। और ये इस छवि को बनाने में लालकृष्ण आडवाणी का बहुत बड़ा हाथ है। वो बार बार अपने भाषणों में लालकृष्ण आडवाणी इस बात पर जोर देते रहे हैं कि इधर नरेंद्र भाई हैं तो उधर ये हैं और उधर ये हैं, जिस तरह दूसरे नेता केवल नरेंद्र भाई पे लड़ाई केंद्र में आडवाणी या दिल्ली की चौकड़ी को हराकर नरेंद्र मोदी ने लड़ी और जीती, अब दूसरी लड़ाई शुरू हो रही है।
देखिए क्षेत्रीय नेताओं के साथ में भाजपा के जो छत्रप हैं, भाजपा की विशेषता ये रही है कि भाजपा का एक सुपरिभाषित केंद्रीय नेतृत्व रहा है और एक सुपरिभाषित क्षेत्रीय नेतृत्व रहे हैं भाजपा के। नरेंद्र मोदी ने इस संतुलन को तोड़ दिया है। नरेंद्र मोदी पहली बार क्षेत्रीय नेतृत्व से उतरे और उभरे और केंद्रीय नेतृत्व पर काबिज हो गए। चूंकि ये संतुलन बिगड़ गया है इसलिए इस संतुलन को दोबारा कायम करना है और ये कायम वो नरेंद्र मोदी को ही करना है कायम, और उसके लिए उन्हें संघ की मदद चाहिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मदद चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अगर किसी दूसरे मुख्यमंत्री की पीठ पर हाथ रख दिया तो नरेंद्र मोदी का भाजपा में जो अभी वर्चस्व दिखता है वो फौरन संकट में पड़ जाएगा। वर्चस्व एक मिनट नहीं लगेगा मैं आपको बताऊं कि उस वर्चस्व के संकट में पड़ने। मतलब आप ऐसे कुछ संकेत दे रहे हैं कि संघ को जो उपयोग करना था चुनाव तक कर लिया क्या? नहीं नहीं, मेरा कहना है खुदा मान ली, हम लोग मान के चले नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, उसके बाद जब पद और हैसियतें बटेंगी, अंतर्विरोध पैदा होंगे, विरोधाभास पैदा होंगे, उनको कैसे हल किया जाएगा, तब जो समस्याएं पैदा होंगी उन समस्याओं का आज हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। लेकिन ये हो ही नहीं सकता कि समस्याएं ना पैदा हों, ये असंभव है। ये एक बड़ी बात है, जो अंतर्विरोध बीजेपी के भीतर है, जो नरेंद्र मोदी के उदय के साथ नजर आने लगे, और इन सब के बीच कोई थाम सकता है तो पॉलिटिशियन नहीं है बीजेपी के भीतर थामने के लिए। उसके लिए दोबारा संघ परिवार को ही थामना होगा, और उस संघ परिवार को समझ में आ रहा है कि एक प्रचारक इस वक्त प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार के तौर पर नहीं, चुनाव के बाद नजदीक पहुंच गया है, तो इसे अब संतुलन बनाना चाहिए। एक तरफ 41 सीटों पर वोटिंग हो रही है, दूसरी तरफ राजनीतिक बिसात या कहें राजनीतिक समीकरण या कहें राजनीतिक रणनीति अपने लिहाज से नरेंद्र मोदी भी बिछा रहे होंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। रमन सिंह से मुलाकात गांधीनगर में, आलोक जी क्या मायने हैं इसके? देखिए प्रसून जी, आपको याद हो परसों भी जब संघ के साथ बैठक थी तो कहा गया नहीं, हवाई जहाज मौसम खराबी के बाद वो लखनऊ होते हुए रमन सिंह दिल्ली भी आए थे, तो इसलिए ये मानिए कि पर्दे के पीछे जो बिसात बिछ रही है, क्योंकि वो तो मान ही रहे हैं आप और हम, चाहे अभी एग्जिट पोल या उसके बाद के पोल पर भरोसा करेंगे जो 16 को आए, लेकिन नरेंद्र मोदी और उनकी टीम अभी से तैयारी पहले भी कर चुकी है। रमन सिंह एक लो प्रोफाइल नेता है, जो हम पहले डिस्कशन में भी करते रहे। शिवराज सिंह तो प्रधानमंत्री पद के एक दावेदार की तरह से भी, चाहे अडवाणी जी ने प्रोजेक्ट किया हो कहा, और छत्तीसगढ़ में भी उन्होंने कहा था अडवाणी जी ने कि देखिए नरेंद्र भाई वहाँ तो गुजरात विकास हो चुका था, छत्तीसगढ़ में ज़्यादा कठिन था, वहाँ करके उन्होंने दिखाया है, तो और शिवराज ने दिखाया है। तो इस तरह से अब रमन सिंह को राष्ट्रीय राजनीति में लाने की कोशिश भी मोदी कर सकते हैं। ये अलग बात है कि उपचुनाव वहाँ के क्या छत्तीसगढ़ के परिणाम आते हैं, उसके बाद कैसे होगा, लेकिन उनकी एक नई टीम जो बनाने की बात है उसमें राजपूत नेता यदि उस हिसाब से यदि कहें, जाति के आधार पर भी लो प्रोफाइल भी कहें, और प्रसून जी यदि उसको अतिशयोक्ति न कहें तो छत्तीसगढ़ और झारखंड में सबसे अधिक कमाई होती है। रमन सिंह की छवि वैसे की नहीं है। भरपूर है। हाँ, खादान खूब से, है। और छत्तीसगढ़ में प्रोजेक्ट, हाँ छत्तीसगढ़ में हमारे कुछ साथी पत्रकार और दूसरे कुछ नेता भी ये कहते हैं कि वहाँ भाजपा के कुछ नेताओं के पास ही 1,000 करोड़ तो उनके पास वैसे ही रखा हुआ है, वो बिरला टाटा उससे ज़्यादा वो उस मामले में सफल हैं। तो यदि उस क्षमता को भी देखें तो आगे के गणित में किस सांसद को कहाँ से तोड़ा जा सकता है, कहाँ से किसको लिया जा सकता है, किसको आगे रखना है, इन राज्यों की दृष्टि से मुझे लगता है कि रमन सिंह की इस मुलाकात को महत्व दिया जाना चाहिए। और नजर एक चीज, हम इस चीज को जरा सा आगे बढ़ाएं, क्योंकि हम पहली बार देख रहे हैं बीजेपी के भीतर ये कल्चर था नहीं जो जिक्र हम करने जा रहे हैं, क्योंकि ये मुलाकात जो हुई, कैमरा पर्सन तो मौजूद थे, मीडिया की मौजूदगी थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने खुद इस तस्वीर को ट्वीट भी किया, यानी मेरी बैठक चल रही है रमन सिंह के साथ, ये उन्होंने अपने ट्वीट में इस तस्वीर के साथ जिक्र किया है। इसके मतलब क्या है? 24 आवर नरेंद्र मोदी राजनीति करते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। भारतीय राजनीति में ऐसे बहुत कम लोग शख्स हैं जो 24 घंटे सिर्फ राजनीति करते हों, सोचते हों, जीते हों और उसी में पूरी तरह घुलमिल इस लेवल पर, और सोशल मीडिया का जिक्र बार बार मोदी ने किया। सवाल ये नहीं, सवाल ये है हर चीज़ का उपयोग अपनी राजनीति को साधने के लिए मोदी अगर अपने नाम के साथ कर रहे हैं, ट्वीट उनके नाम पर है, कर इसके मतलब क्या है? देखिए अगर भारतीय जनता पार्टी में आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलें जो अंदर बैठा हुआ है लेकिन आपसे कुछ बातें भी कर सकता है, अंदर की बातें बता भी सकता है, तो मोटे तौर पे जो बात पता लगती है वो ये होती है कि इस वक्त भाजपा में प्रत्येक व्यक्ति एकाध व्यक्ति के अपवाद को छोड़कर शंकित है। उसे नहीं पता है कि भाजपा में जो नई श्रेणियाँ बनने वाली हैं, नई स्थितियां बनने वाली हैं, उसमें उसकी जगह कहाँ होगी।